वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम बहुत ही कॉमन से डाउट को क्लियर करेंगे कि आपको आपकी प्रेगनेंसी के दिन कहां से काउंट करना चाहिए। लोगों के मन में अपनी प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी टाइप के डाउट होते हैं। उनमें से ये डाउट होता है कि उनको अपनी प्रेगनेंसी के दिन कहां से काउंट करना है। क्या उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के दिन जिस दिन उन्हें अंतिम बार पीरियड्स की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी वहाँ से काउंट करना है, या अंतिम बार जब ब्लीडिंग बंद हुई थी वहाँ से वो अपनी प्रेगनेंसी के दिन काउंट करें, या कई लोग सोचते हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी जिस दिन उन्होंने अनसेफ रिलेशन बनाया था वहाँ से उनको प्रेगनेंसी लगी है तो वहाँ से काउंट करना चाहिए। तो एक्चुअली में प्रेगनेंसी के दिन कहाँ से काउंट करने चाहिए, इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मेरे पास भी प्रेगनेंसी के दिनों को लेकर काफ़ी तरह के और अजीब अजीब तरह के केस आते हैं। एक बार तो केस ऐसा आया था कि वो ये बोल रहे थे कि सर मुझे बता दीजिए बस कि जो मेरी वाइफ है वो मुझसे ही प्रेग्नेंट हुई है कि नहीं, और जो बेबी है वो मेरा है कि नहीं, मैं कौन सा डीएनए टेस्ट कराऊं या मैं कैसे कंफर्म करूं कि ये मेरा ही बच्चा है, क्योंकि सर मुझे 100% कंफर्म है कि जो मेरा बच्चा है वो 20 दिनों का है। और जब मैंने डॉक्टर के पास विजिट किया तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये जो प्रेगनेंसी है ये 35 दिनों की है, तो सर मुझे बता दीजिए। और जब मैंने उनसे हिस्ट्री ली तो पता लगा कि वो जो सज्जन हैं वो गलत तरीके से प्रेगनेंसी के दिनों को काउंट कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि प्रेगनेंसी को हमेशा जिस दिन पीरियड्स की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी वहाँ से काउंट करना है, जिसे लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट या LMP डेट कहते हैं। यहाँ पर कई लोग ये गलती करते हैं कि जिस दिन उनको पीरियड्स की ब्लीडिंग बंद हुई थी वहाँ से वो प्रेगनेंसी को काउंट करेंगे, या जिस दिन उन्होंने अनसेफ रिलेशन बनाया वहाँ से वो प्रेगनेंसी को काउंट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ओव्यूलेशन के बाद अंडा रिलीज हुआ और उन्होंने एक्चुअली में प्रेगनेंसी को कंसीव किया। लेकिन अगर आप ओव्यूलेशन के बाद जिस दिन आपने कंसीव किया वहाँ से अगर आप प्रेगनेंसी को काउंट करने की मिस्टेक कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये फिटल एज होती है, और जिस दिन आपको लास्ट बार पीरियड्स की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और उसके बाद आपने कंसीव किया तो लास्ट बार जो LMP डेट है उसके अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी के दिनों को काउंट करने को जेस्टेशनल पीरियड कहते हैं। और हम हमेशा प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल पीरियड्स को ही इम्पोर्टेंट देते हैं, फीटल एज को नहीं देते। सो जेस्टेशनल पीरियड्स के अकॉर्डिंग ही आपको ये बताया जाता है कि आपको ब्लड टेस्ट कब करानी है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या फिर स्कैन कब कराना है, अल्ट्रासाउंड कब कराना है, कब वैक्सीन लेनी है, कब मेडिकेशन आपको लेनी है, कौन कौन सी आपको सावधानियाँ लेनी है प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग। सो ये सब चीज़ें जेस्टेशनल पीरियड के हिसाब से होता है, मतलब जिस दिन आपको पीरियड्स की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी वहाँ से आपको प्रेगनेंसी के दिन काउंट करने हैं। कई बारी तो मुझसे भी पेशेंट बहस करते हैं, फिर जब मैं उनको क्लियर करता हूँ कि अपनी प्रेगनेंसी को आपको लास्ट पीरियड डेट से काउंट करना है, क्योंकि जो कंसीव करने की प्रोसेस होती है कुछ हार्मोन होते हैं वो पीरियड्स की ब्लीडिंग के स्टार्ट होने से ही रिलीज़ हो जाते हैं, और जो बच्चेदानी है उसकी जो लाइनिंग है ना वो पीरियड की ब्लीडिंग स्टार्ट होने से ही वो प्रोसेस करना स्टार्ट कर देती है कि उसको आगे कंसीव कैसे करना है। तो इंटरनली जो कंसीव करने का प्रोसेस है वो जिस दिन आपको पीरियड्स की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप पहली बारी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो गाइज, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।